लैंग्वेजेस में देखकर एंजॉय कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि असल में ये फिल्म एक सीरीज है 2011 की आई हुई फिल्म द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू की, जिसमें हमें काफी बड़े बड़े एक्टर्स नजर आए थे। चाहे मैं यहाँ पर बात करूँ डेनियल ग्रेग, क्रिस्टोफर प्लमर, रॉबिन वाइट, स्टेलिन सार्गेट और फिल्म की लीड एक्ट्रेस रोनी मारा, जो इस फिल्म में रोल कर रही है लेज़बेथ का। लेकिन अब बात करें द गर्ल इन द स्पाइडर वेब की, इस फिल्म में लेज़बेथ का रोल किया है कैरली फेरी ने, और डेफिनेटली कैरली ने अपना 100% दिया है कि वो लिज़बेथ के रोल को बिल्कुल परफेक्ट कर पाए, ठीक उस तरह जैसे इसके पहले रोनी मारा और नाओमी रैपेस्की ने किया है। तो मुझे उनकी एक्टिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये द गर्ल इन द ड्रैगन टैटू की सीरीज की सबसे वीक फिल्म है। हालांकि अगर देखा जाए तो पहले भी स्वीडन की तरफ से इस फिल्म की सीरीज के टोटल 3 पार्ट बनाए गए थे और तीनों ही पार्ट में स्टोरी से लेकर एक्टिंग तक बिल्कुल परफेक्ट थी, जिसके बाद 2011 में इस फिल्म को रिबूट किया गया और इस बार उस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड फैनेसी ने, और उनका डायरेक्शन और फिल्म कमाल की थी और उस हिसाब से उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी कमाई की थी, जिसके बाद सोनी पिक्चर्स को ये लगा कि वो लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस बार वो लोग इस फिल्म में लिज़बेथ के रोल के लिए रोनी मारा को नहीं लेंगे, वो लोग एक नई एक्ट्रेस लाएंगे, जिस वजह से ये सीरीज लोगों को बिल्कुल फ्रेश लगे। और ऐसा ही किया गया, इस फिल्म में नई एक्ट्रेस को ऐड किया गया और अब ये फिल्म हमारे सामने है जो हर एंगल से फेल है। जी हाँ, ये फिल्म हमें उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगती है जितनी ज्यादा प्रॉमिसिंग हमें इस फिल्म की पहले की सीरीज वाली फिल्में लगी थी। यहाँ तक कि इस फिल्म को काफी डार्क रखा गया है, और स्टोरी की बात करें तो फिल्म की स्टोरी को ऐसा कंटिन्यू किया गया है कि हम जब इस फिल्म को बाहर देखकर निकले तो हम कंफ्यूज्ड ही रहे कि असल में फिल्म की स्टोरी क्या है, क्योंकि उन्हें इस फिल्म का सीक्वल भी बनाना है, जिस वजह से इतनी सारी कंफ्यूजन हमें इसी एक फिल्म में दिखाई गई है। और मैं यहाँ पर फिल्म की मेन स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल्म की मेन स्टोरी काफी सिंपल है, लेकिन जो बाकी के पार्ट्स हैं जैसे कि फ्लैशबैक वाले, जहाँ पर लिज़बेथ की ओरिजिन दिखाई गई है कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, इसकी पूरी की पूरी डिटेल फिल्म में क्लियर नहीं की गई है। और ऊपर से लिज़बेथ की बहन जो कभी चाहती है कि वो अपनी बहन को मार दे और कभी चाहती है कि वो उसे जिंदा रखे, वेल यहाँ पर मुझे कैमिला का मकसद क्लियर तरीके से समझ नहीं आया। डेफिनेटली जो लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं उन्हें पता है कि लिज़बेथ एक हैकर है और उसी के साथ साथ वो कुछ जासूसी भी कर लेती है, जिस वजह से ये फिल्म एक अलग लेवल की जेम्स बॉन्ड फिल्म बन जाती है। लेकिन फिलहाल तो इस फिल्म का इम्प्रेशन सभी पर ठीक ठाक नहीं पड़ने वाला, जिस वजह से हो सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी ना चल पाए और फिर हमें फ्यूचर में इस फिल्म का सीक्वल ना देखने मिले। तो अब इसका पूरा ब्लेम मैं फिल्म के डायरेक्टर फ्रेडी एल्विजार पर तो नहीं डाल सकता, क्योंकि उनका डायरेक्शन ठीक है लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट काफी ज्यादा वीक है। अब चाहे आप यहाँ पर ये कह लो कि बुक के असली राइटर के मर जाने के बाद जब डेविड ने इस बुक को संभाला था तो शायद उन्होंने स्टोरी में कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, जिस वजह से इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी वीक है। और एक हिसाब से देखा जाए तो फिल्म की स्टोरी हमें ट्रेलर में ही पता चल जाती है, यानी अगर आप ट्रेलर देख लो तो शायद आपको फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पर फिल्म की मेन स्टोरी की बात करें तो फिल्म की मेन स्टोरी है एक न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर पर, जिसे एक साइंटिस्ट ने बनाया है और अब काफी लोग उस सॉफ्टवेयर के पीछे पड़े हैं, क्योंकि अगर ये सॉफ्टवेयर किसी गलत हाथ लग गया तो सारे देश में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी। ऐसे में इस सॉफ्टवेयर को सही हाथों में देना ही एक परफेक्ट डिसीजन होगा, और इन्हीं सभी झमेलों के बीच फंस गई है लिज़बेथ, क्योंकि वो एक हैकर है और वही इस सॉफ्टवेयर को ढूंढ सकती है और इसे रोक सकती है। वेल तो ये है फिल्म की मेन स्टोरी, जैसे कि मैंने कहा काफी सिंपल। और अब आ जाए मेरी रेटिंग पर, तो मैं इस फिल्म को दूंगा सी, और आपसे यही कहूंगा कि आप इस फिल्म को मिस कर दीजिए। भले से ही ये फिल्म हिंदी में क्यों नहीं रिलीज हुई है, वेल एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इस फिल्म को हिंदी में क्यों डब किया गया, उसका जवाब ना मेरे पास है और ना ही आपके पास। तो लगता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के दिमाग काफी ज्यादा चलते हैं, और अगर इतने ही ज्यादा चलने लगे हैं उनके दिमाग तो मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ पर वंडर वुमन और सुसाइड स्क्वाड को हिंदी में डब कर रिलीज कर देना चाहिए था। एटलीस्ट फैंस इन दोनों फिल्म को थिएटर में हिंदी में तो देख लेते। खैर, तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर